जिला सोलन के नौणी विश्वविद्यालय स्थित सभागार में भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। केरल के दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में केरल के कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति की झलक बखूबी प्रस्तुत की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम में केरल के कलाकारों ने जहां आत्मरक्षा को दर्शाकर कलराई पेटू नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं चंड मेलन तथा थैर्य नृत्य में भी सभागार में बैठक दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। आपको बता दें कि केरल से आए 45 सदस्यों का सांस्कृतिक दल हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रस्तुतियों से अपनी संस्कृति की झलक प्रदेश भर में देगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नौणी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश मारिया ने शिरकत की और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि एक प्रदेश की संस्कृति को दूसरे प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करने से हम एक दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं और ऐसे कार्यक्रम अक्सर होते रहने चाहिए। इस मौके पर जिला भाषा अधिकारी कुसुम ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने का विभाग का यही उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रम के बदौलत हमें एक प्रदेश व दूसरे प्रदेश की संस्कृति जानने का मौका मिले। इसी के चलते केरल के कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति को दर्शाने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी खूब किया गया। भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा केरला का सांस्कृतिक दल यहाँ पर प्रेषित किया गया था, जो इंटरस्टेट कल्चरल एक्सचेंज के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हुए। केरला के सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर पेश किया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य लोगों ने इसे देखा और बहुत ही इसकी कार्यक्रम की सराहना की और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के कल्चरल एक्सचेंजेस यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भी कोशिश करेगी कि हो। आज विभाग द्वारा दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के सहयोग संयुक्त तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन नौणी विश्वविद्यालय में किया गया, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। केरल के सांस्कृतिक दल ने अपनी बहुमूल्य प्रस्तुतियाँ हमें दी, जिसमें कि अपने पारंपरिक संस्कृति की स्पष्ट झलक हमें दिखाई दी। इससे कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को संजो कर रखने का एक बहुमूल्य संदेश मिलता है। तो विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी संस्कृति की झलक दिखा सकें।